गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स देख रहे थे बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पर आधारित क्वेश्चंस बना रहे थे, न्यूमेरिकल्स बना रहे थे। आज सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ेंगे, दो सदिशों का घटाव पढ़ेंगे। आइए तब बात करेंगे आगे। लेक्चर कौन सा होना चाहिए आज का? 14। यूनिट सेकंड, काइनेमेटिक्स। चलो हम लोग पढ़ेंगे आज का लेक्चर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या है जी? पहले ऐड करते थे, दो वेक्टर को हम लोग जोड़ते थे। इस बार क्या करेंगे, दो वेक्टर का डिफरेंस ज्ञात करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, घटाएंगे। तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की हमको जरूरत पड़ेगा। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है ये देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है देखेंगे। यहाँ ले लीजिए, जरूरत पड़ेगा हमको बेसिक कॉन्सेप्ट का। आइए लेते हैं हम एक वेक्टर ये, और ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। चलो ये ड्यू ईस्ट ले लेते हैं, ड्यू ईस्ट स्पष्ट है, ईस्ट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलो फिर बात करते हैं कि वेक्टर बी जो है ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन ड्यू ईस्ट नहीं है। ये क्या है, ये ड्यू वेस्ट है। आप बताइए हमको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें ये और बी के लिए, तो आप कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे? एक वेक्टर ऐसे लेंगे वेक्टर ये, तो दूसरा वेक्टर आपको खींचना पड़ेगा ऐसे वेक्टर बी। क्यों? एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है। हाँ, ईस्ट है दूसरा वेस्ट है। आप बताइए यहाँ से कि तीर की लंबाई, एरो का लेंथ सेम नज़र आने का क्या वजह है? क्यों लेंथ सेम दिए हैं? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसीलिए मैग्नीट्यूड सेम दिए हैं। ये ईस्ट के कारण से इधर डायरेक्शन है, ये एरो का डायरेक्शन है, इधर वेस्ट के कारण से एरो का डायरेक्शन इधर आ गया। आप बताइए, एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या ये वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये करेक्ट है क्या? नहीं। तब क्या कैसे करेक्ट होगा? ये तो करेक्ट नहीं है कि ये, हाँ ये वेक्टर ए इज नॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी, बट क्या इक्वल होगा जी, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, सही है? दोनों का
मैग्नीट्यूड सेम है जी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को इक्वल लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, बिल्कुल सही है। अब देखो ये तो समझता है, ये दिमाग एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बी नहीं लिखें, हम ये ही लिखना चाहते हैं। तो देखो सेकंड टर्म लें हम, दूसरा लें इसमें, कि ये वेक्टर ये मान लो हो गया, ठीक है, और ये वेक्टर तुम बी लेते हो, लेकिन हम वेक्टर ये ही लेंगे, ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या ये करेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों अलग अलग एरो है, अलग अलग उसका डायरेक्शन है, तो फिर हम कैसे मान सकते हैं कि ये भी ये है ये भी ये है? लेकिन हम कहते हैं क्या कि हम लिख सकते हैं ये के टर्म में ही इसको लिखना है, जबकि ये पहले से बी था। अब बी को ए के टर्म में कैसे लिखा जाए, ये राज जानने की ज़रूरत है कि ये वेक्टर ये का डायरेक्शन चेंज कर दिए, ईस्ट था वेस्ट कर दिए, और फिर भी हम ये के टर्म में उसको लिख सकते हैं कैसे, तो ध्यान दो। ऐ क्या करने जा रहे हैं बताओ, यहाँ क्या कर दिए? हाँ, निगेटिव साइन जैसे लगा दिए वैसे ही मेरा ये करेक्ट हो गया, सही हो गया। ये कैसे सर? निगेटिव साइन बतलाता है क्या कि डायरेक्शन इसका, ये का जो डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन है किसका, माइनस वेक्टर ए का, बिल्कुल सही है। आप बता तो तुम क्या कह सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए, सही है क्या? वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए, सही है क्या? हाँ, अभी भी डायरेक्शन, नाम भले चेंज हो गया इसका, नाम चेंज हुआ, नेम चेंज, नाम चेंज क्यों करना पड़ा, माइनस वेक्टर ये क्यों करना पड़ा, इसलिए कि ये के डायरेक्शन का ये अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? तो बताओ, इतना इज नॉट इज इक्वल टू इतना देंगे, बट क्या आप बोल सकते हो क्या इक्वल कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस वेक्टर ए, गौर करना गौर, इसी का हम यूज करेंगे, देखना, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा मत सोचना कि कोई कहता नहीं कि मॉड से बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, वो सब यहाँ कंसेप्ट हम फॉलो नहीं करेंगे, सीधा जानो कि ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, ये पूरब का डायरेक्शन है, पूरब इसका तो इसका पश्चिम है, इसका ईस्ट है तो इसका वेस्ट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको इसके इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। कहने का सेंस हम यूज करेंगे बाबू, ये दिया रहेगा, इसके बदले लिख देंगे ऐसा, तो उसमें सिर दर्द नहीं करना चाहिए तुमको। ए मॉड ऑफ माइनस वेक्टर ये लिख देंगे, कहेंगे जी इसके बदले हम लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर ये, तो क्या तुम रटोगे कि ऐसे कैसे हो गया, वहाँ क्वेश्चन करोगे? नहीं, क्यों? मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हम कुछ भी देंगे तो जवाब मिल जाएगा हमको जी। जैसे हम मान लो ये वेक्टर ईस्ट की ओर है, कौन सा वेक्टर बी, वेस्ट की ओर अब लिखना चाहेंगे वेक्टर के टर्म में, तो क्या लिखोगे? माइनस वेक्टर बी, तो बिल्कुल सही है। यदि इस तरह से वेक्टर सी है मेरा,
तो हम माइनस वेक्टर सी लिखना चाहेंगे, उसके लिए क्या करना होगा? पहले देखो देखो, हम और ले जाएंगे इधर, और ले जाएंगे, फोर्थ में लेकर चले जाते हैं जी। बताओ तो ये वेक्टर ये है या सी है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख दिए ऐसे। तो बताओ जी, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी है, तो तुम ओ ये वेक्टर यदि माने वेक्टर सी है तो ओ भी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, बोलो तो, माइनस वेक्टर सी। तो अब हमको मना नहीं करना, ऐसे वेक्टर सी रहेगा ना, हम कहेंगे देखो जी इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो माइनस सी वेक्टर लिखेंगे, माइनस वेक्टर सी। तो अब मना नहीं करना, कंसेप्ट हम दे चुके हैं, और ये कंसेप्ट ये लेंगे हम, दूसरा कंसेप्ट लेंगे कि माइनस वेक्टर सी जो होता है बाबू वो माइनस के साथ नहीं आएगा, बल्कि केवल वेक्टर सी लिख सकते हैं, माइनस बाहर इसमें नहीं आता है। क्लियर है? और यहाँ भी तुम माइनस नहीं लगा सकते हो, यहाँ माइनस ये नहीं कि यहाँ मिटा दिए, यहाँ माइनस दे दिए, तो मीनिंग तो सेम हो गया। अरे मीनिंग सेम हो गया, माई मीनिंग सेम हो गया, लेकिन देखो ऐ कि यहाँ माइनस था तो क्या किया, माइनस से गुना कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया, लेकिन माइनस मैग्नीट्यूड कभी नहीं होता है जी। हालांकि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन की बात लेगा तब तो माइनस होगा ही, लेकिन मैग्नीट्यूड केवल की बात करें तो मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है। तो चलो चलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। चलो मिटाएंगे, सब चीज समझ में आ ही गया है तो रखने की इसकी जरूरत नहीं है। कहाँ जाना है? चलो जाना हमको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में। इस बार दो वेक्टर्स हम दे रहे हैं, दो वेक्टर्स दे रहे हैं, कौन कौन ये देखो, इधर से लिखते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर्स मेरे पास है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हमको क्या एवेल्युएट करना है इस बार, तो एवेल्युएट करना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा। तो समझो ये क्या होगा, हम सब्ट्रैक्ट करना नहीं सीखे हैं, तब हम लोग ऐड करना सीखे हैं, दो वेक्टर्स का एडिशन सीखे हैं। तो चलो जी, यदि हम ऐड करना ही सीखे हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं सीखे हैं, तब कैसे होगा? तो देखो हम इसको क्या लिखते हैं, लिखते हैं वेक्टर ये में जोड़ देंगे किसको जी, माइनस वेक्टर बी को। माइनस वेक्टर बी भी क्या है, ये भी तो वेक्टर है, माइनस तो बतलाता है कि डायरेक्शन अलग है, लेकिन है तो वेक्टर। तो दो वेक्टर को जोड़ना तो हम जानते हैं, दो तीर को जोड़ना तो हम जानते हैं, तो दो तीर ही है ये ना, दो एरो ही है ना, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। कहने का सेंस ये है कि वेक्टर ए में यदि वेक्टर बी को जोड़ना नहीं जानते, घटाना नहीं जानते हैं, तो वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ देंगे। तो माइनस वेक्टर बी किधर होगा, इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। क्लियर है? हेलो, ठीक ठीक, इसको ऐड करना यानी अब इसको भूल जाइए, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को, यानी वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ देंगे तो वही बात आ जाएगी। देखो ना,
बाद में ये जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो करके हो जाएगा। तो कहना क्या है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का क्या मीनिंग है ये लिखना है। मीनिंग ये लिखना है कि दो वेक्टर्स यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड करना। तो लिखना शुरू कर दो, लिखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स दूसरे भाषा में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं टू सब्ट्रैक्ट टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए मीन्स दैट टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए मीन्स दैट क्या होगा टू एड माइनस वेक्टर बी टू एड माइनस वेक्टर बी टू वेक्टर ए यही कहना चाहते हैं। दैट इज क्या मतलब हुआ वेक्टर ए माइनस बी का मतलब हो गया कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी ये डिफिनीशन हो गया। चलो समझ में आ गया है तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो हम मानेंगे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बीच का एंगल थीटा है। तो मानो कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, वी हैव टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलो यही ज्ञात करना, कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ये ज्ञात करने का मतलब तो पहले हम लिख ही सकते हैं कि फॉर फाइंडिंग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वी शैल हैव टू फाइंड, हमें ज्ञात करना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, और एंड सेकेंड में क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दैट इज अल्फा। अल्फा ज्ञात करना है बाबू। चलो क्या करते हैं, देखो तो यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं। वेक्टर ये तुम्हारे पास है,
ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पर ध्यान नहीं देना, हम समझा रहे हैं मैग्नीट्यूड एक्यूरेट नहीं हो, बड़ा छोटा हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना। चलो ये वेक्टर बी है और ये थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। चलो क्या बोले थे कि ए में बी को जोड़ने का मतलब ए में बी को घटाने का मतलब, ए में बी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड करना। तो चलो ये मान लेते हैं क्या है बाबू, ये है माइनस वेक्टर बी। और कुछ देर के लिए तुम इसको वेक्टर सी मान लो तो कहीं सिर दर्द करने वाला नहीं है। तो चलो ये है थीटा, ठीक है, हमको पहले ये बताओ कि ये एंगल तुमको पता है क्या कितना होगा, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, सही है। अब इसको भूल जाओ बाबू, और वेक्टर ये और ये माइनस वेक्टर भी तुम भूल जाओ, ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता है तुम्हारा, लेकिन ये वेक्टर ये और वेक्टर बी को तुम जोड़ना सीख चुके हो, तो क्या वेक्टर ये और वेक्टर सी को नहीं जोड़ सकते हो? हाँ सर, वेक्टर ये रहे, ये आप बी के बदले सी दे दिए तो क्या फर्क पड़ेगा, बी के बदले सी दे दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलो जब फर्क ही नहीं पड़ेगा तो बताओ, हम ऐसे रफली खींचें, कहेंगे ए बाबू ये दोनों वेक्टर को तुम पैरेललोग्राम ला वेक्टर एडिशन से जोड़ सकते हो कि? बिल्कुल सर, ऐसे पैरेललोग्राम बना देंगे, जोड़ देंगे। कहेंगे अरे ऐसे नहीं, ये वाला ऊपर में वेक्टर नहीं देंगे जी, हम नीचे में ऐसे देंगे। तो क्या पैरेललोग्राम ला वेक्टर एडिशन इसमें फॉलो नहीं होगा? फॉलो नहीं होगा? कहिएगा बिल्कुल सर होगा क्यों नहीं, ये तो पैरेललोग्राम हो गया तैयार और ये आपका हो गया डायगोनल। तो जस्ट यही बात तो यहाँ होगा जी, सेम बात है तो यहाँ भी होगा। इसको यदि कुछ देर पल के लिए भूल जाते हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओवे कर सकते हो। तो चलो देखो, पैरेललोग्राम नज़र आया होगा तो बताओ अब रिजल्टेंट कौन सा होगा। कहिएगा सर आप तो बताए थे रिजल्टेंट उस डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है जो एडजेसेंट साइड के मीटिंग पॉइंट से इनिशिएट होता है, जो एडजेसेंट साइड के कॉमन पॉइंट से प्रारंभ होती है, स्टार्ट्स होती है। तो बताओ यही डायगोनल रिजल्टेंट बताएगा? तो ये रिजल्टेंट है किसका, वेक्टर ए प्लस ए, क्या है ये रिजल्टेंट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। क्या दिक्कत है? नहीं, अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी तो सी नहीं लिखेंगे हम, सी के बदले माइनस बी लिखेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा तुमको? और इसके बदले हम क्या लिख देंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बता पर्पस पूरा हुआ मेरा? यही निकालना था लेकिन हम इस मेथड से बना करके पूरा किए। परेशानी है? चलो कहाँ चलेंगे अब? अब फिर से वो जो तुम बताया था, ये परपेंडिकुलर खींचो, ट्रेंगल बनाओ, फिर टेन थीटा निकालो, इतना लंबा अब करने की ज़रूरत नहीं है, समझे जी? चलो करते क्या हैं अब, इसको लिख लिया होगा, इसको पूरा कीजिए, हो गया ये? चलो ये हो गया बाबू। हाँ तो ऊपर वाला मिटाएंगे, चलो लिखते क्या हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि
क्या जानते हैं जी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, क्या जानते हो, याद है तो बोलो। बिल्कुल सही, अरे बिल्कुल सही जवाब आया। आप बताओ कि हम, मेरे पास बी नहीं है बाबू, वेक्टर सी है, तो हम क्या करें, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल सही, बी की जगह सी, वेक्टर सी रख देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन बताओ मेरे पास यहाँ वेक्टर सी नहीं है, माइनस वेक्टर बी है। क्यों? क्योंकि सी तो हम लिए हैं किसके बदले, सी लिए हैं किसके किसके बदले, वेक्टर सी लिए थे माइनस बी के बदले। तो चलो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, चलो मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी नहीं लेंगे, माइनस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर माइनस बी कॉस थीटा। एक चीज देखना है, कहीं हम लोग भूल किए क्या, कहीं गलती भी है क्या, गलती तो हुई है, बताओ कहाँ गलती किए। फॉर्मूला फर्स्ट तो मेरा सही है जी, हमको याद है, लेकिन सेकेंड में देखो कुछ गड़बड़ी लगता है कि है, दिमाग है तो बताओ। चलो समय नहीं देंगे, देखना क्या। हाँ देखो जी, एक स्टूडेंट बताया गया कि स्टूडेंट के द्वारा कि ये थीटा रॉन्ग लिखे हैं सर, थीटा नहीं होगा, ये थीटा कब था, जब वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा था तब यहाँ थीटा लिए हैं, लेकिन यहाँ तो आप वेक्टर ए और सी लिए हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना है जी, तो बताओ हम थीटा देंगे यहाँ कि पाई माइनस थीटा देंगे, तब कहाँ दिमाग काम किया, झटका नहीं लगता है तुम लोगों को, पता नहीं झटका नहीं लगेगा तो कैसे होगा जी। चलो ये हो गया, तो बताओ यहाँ थीटा की जगह तो हम पाई माइनस थीटा लेंगे। अब हमको बोलो कि इसको यदि हम मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस लिखेंगे तो देखो तो क्या क्या आने वाला है, कहिएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस, अब इसके बदले बोलो क्या लिखें, हाँ बिल्कुल मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि माइनस बोले थे हम ये दोनों इक्वल होगा, उस समय हमसे बात नहीं करना कि कैसे हो गया, फिर इसके बदले क्या लिख देंगे, फिर वही मॉड ऑफ वेक्टर, लेकिन ये देखो फॉर्मूला कॉस पाई माइनस थीटा याद है, एक फॉर्मूला याद किया है कि बना सकते हो, क्या होगा निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल सही, पाई वाला केस है तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बदलेगा नहीं बदलेगा, इसका मतलब कॉस का कॉस ही रह जाएगा, अब पूरा एंगल थीटा हो जाएगा, अब क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा, तो
एक पाई पल पल माइनस थीटा, तो ऑल साइन, साइन पॉजिटिव होता है लेकिन मेरे पास क्या है कॉस, क्या हो गया नेगेटिव। आप बताओ ऐसा इज इक्वल टू क्या लिखने जा रहे हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस, अब तो माइनस लिख सकते हैं ना, माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। परेशानी है, ए परेशानी है, तो मंजिल तो मिल गई जी, यही तो है मैग्नीट्यूड, वहां क्या देखे थे, यहाँ प्लस था अब हो गया सिर्फ माइनस, वहां यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या है माइनस, कुछ नहीं है जी अंतर, फॉर्मूला वही है, केवल प्लस के जगह यहाँ माइनस दिए हैं। ठीक, ये निकल गया, अब कहाँ चलेंगे, डायरेक्शन की ओर चलेंगे, ये तो पहला हो गया मेरा, दूसरा में चलेंगे डायरेक्शन, तो क्या होगा, दूसरा में जानेंगे ऑल्सो, बताओ फॉर्मूला याद है, साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, नहीं है, होता है जी, इससे क्या मतलब है, हमको ये अल्फा 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 चाहिए ना, अल्फा चाहिए, तो अल्फा में हम किसी तरह निकाल सकते हैं, उस दिन बोले थे साइन अल्फा या फिर टेन अल्फा, अल्फा का वैल्यू सेम होगा, वहाँ अल्फा जो ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में अल्फा क्या ली, क्या था, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का कोण, ए रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल ना था, और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में भी अल्फा क्या था, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल था, नहीं जी, सोच कर बताओ, सुनो देखो तो हम बताते हैं तुमको, ये वेक्टर ये था, ये बी था, और ये क्या था, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या किया था, वेक्टर ये के साथ अल्फा एंगल बनाया था, तो मान लो अल्फा एंगल मेरा कितना है 30 डिग्री है, कुछ देर के लिए मानो, अब चलो ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से नहीं बनाते हैं, हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बनाते हैं, तो बनाओ ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बाबू, बनाओ, ए पैरेललोग्राम तैयार करो, चलो पैरेललोग्राम तैयार हो गया, तो ये रिजल्टेंट हो गया, अब बताओ ये रिजल्टेंट हो गया तो ये रिजल्टेंट क्या करेगा, ये एंगल बनाएगा किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, ये भी क्या है अल्फा, और ये फॉर्मूला लाए थे टेन अल्फा इज इक्वल टू,
मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा लाए थे। तो बताओ कि इस ये जो तुम फॉर्मूला लाया था इसमें ट्रेंगल में कि साइन अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, तो बताओ यहाँ अल्फा यदि 30 डिग्री निकलेगा तो इस फॉर्मूला से अल्फा का मान नीचे वाले फॉर्मूला से अल्फा का मान 60 डिग्री निकल जाएगा कि 30 डिग्री ही निकलेगा। 30 डिग्री निकलेगा। आप बताओ हमको क्या चाहिए था, वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल, वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल। तो बताओ वेक्टर आर वेक्टर ए के बीच का एंगल चाहे इस फॉर्मूला से निकालें कि इस फॉर्मूला से निकालें, रिजल्ट वही 30 डिग्री आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा। सेम जब आएगा बाबू तो फिर हम फॉर्मूला कुछ भी लगा सकते हैं, साइन अल्फा लगाएं टेन अल्फा लगाएं कोई फर्क पड़ेगा? इसलिए नहीं पड़ेगा कि यहाँ भी वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, अर्थात ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है, यहाँ भी रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है, इसलिए फॉर्मूला कुछ भी रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे हम बात करेंगे कि ये सब दिमाग में आया है तो अब दिमाग साफ कर लो पूरी तरह, ये सब परेशानी नहीं होगी बाबू। चलो तो बताओ कि इसलिए तुमको क्या चाहिए, देयरफॉर यहाँ तुमको क्या चाहिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ भी तो अल्फा ज्ञात करना है, मॉड ऑफ वेक्टर बी नहीं है, मेरे पास वेक्टर बी नहीं है, कौन सा है जी, वेक्टर सी है, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है पाई माइनस थीटा, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड प्लस वेक्टर सी, कुछ नहीं किए हैं, वेक्टर सी ले लिए हैं, ये ले लिए हैं और सी ले लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। चलो चलो और लिखो, साइन अल्फा इज इक्वल टू, बताओ मॉड ऑफ वेक्टर सी, सी के बदले माइनस वेक्टर बी देंगे क्योंकि सी तो मेरा है नहीं, और साइन पाई माइनस थीटा हम जानते हैं कितना जानते हैं, साइन थीटा सब जानता है जी, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो कैसे होता जानता है, पाई वाला केस है साइन का साइन हो जाएगा, पूरा एंगल थीटा हो जाएगा, क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव होगा, हाँ वेक्टर ए हो गया प्लस माइनस वेक्टर बी हो गया। चलो चलो जी, साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब इसके बदले क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर बी बताए थे और इसके बदले क्या होगा, वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस हो, सॉरी गलत हो गया, ये माइनस होगा माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब बताओ कहाँ परेशानी हुई जी, पहले भी बोले थे वहाँ वेक्टर ए प्लस माइनस प्लस वेक्टर बी था, यहाँ माइनस वेक्टर बी होगा, यही फार्मूला हो गया यदि सब्सट्रैक्ट करोगे तो। चलो ये केवल समझाने का प्रोसेस है, देखो फिर वहीं चले गए, केवल यहाँ माइनस आया था लेकिन नियमता चले तो वहीं आए, और उसमें भी चलोगे आल्सो आल्सो कहोगे नहीं सर हम टेन अल्फा से निकालेंगे, निकालो ए मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या लिखोगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, तो बताओ कि टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर
बी के बदले सी इस बार नहीं दे करके माइनस बी ले लेते हैं, साइन थीटा थीटा ले लेते हैं, थीटा की जगह थी जनवे करता है, पाई माइनस थीटा होगा। और ये देखो मॉड ऑफ वेक्टर ये सही है, प्लस ये लिखेंगे माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा लिखेंगे। आप बताओ कि दिस इज इक्वल टू क्या लिखें, तो कहिएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी लिखिए और ये साइन थीटा लिखिए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ये लिखिए और मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है जी, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ माइनस लिख दें आगे में और कॉस थीटा दे देंगे तो सही होगा। देखो दिखाई सबको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है जी नीचे वाला पार्ट। चलो जिसको नहीं दिखाई दे रहा है नीचे क्या लिखे हैं देख लो एक बार, कि टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस वाले केस में आता है मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना जी, मॉड ऑफ वेक्टर ये माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। बताओ इसी में तुम अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो टेन इनवर्स दे करके, यहाँ भी अल्फा लिख सकते हो साइन इनवर्स करके, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अल्फा निकालना था निकाल लिए, यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। चलो आज क्या करना था, वेक्टर ए में वेक्टर बी को घटाना था, सब्सट्रैक्ट करना था और सब्सट्रैक्ट हम लोग कर लिए, मैग्नीट्यूड भी ज्ञात कर लिए, डायरेक्शन भी ज्ञात कर लिए। आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट डे मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। लास्ट क्लास में बोले थे कि डीपीएस भेजेंगे, संजोग से नहीं जे भेज पाए किसी कारण, बस आज श्योर भेज देंगे। थैंक्स।